कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे कॉमन नेम और ट्राइबल नेम्स के बारे में। यहाँ मैं डिस्कस करूँगा हेलोएल्केन, एल्कोहल, ईथर, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एसिलेलाइड और अमाइड। इसके साथ साथ कार्बन कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अमीन। ये जितने भी मैंने फंक्शनल ग्रुप्स यूज किए हैं बच्चों, उन सभी का कॉमन नेम मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इन कॉमन नेम्स में सबसे ज्यादा क्या है, इन कॉमन नेम्स में अपन देखते हैं कई बार एन का यूज कैसे होता है, आइसो का यूज कैसे होता है, नियो का यूज कैसे होता है, सेकेंडरी टर्शियरी का यूज कैसे होता है। ये सारे के सारे पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कॉमन नेम जिनको अपन कहते हैं और इन्हीं को आप ट्राइबल नेम्स भी कहते हैं, कॉमन नेम और ट्राइबल नेम, ठीक है बच्चों। इनमें अपन ने देखा है कि एन का यूज ऑफ आइसो, यूज ऑफ नियो, यूज ऑफ सेकेंडरी, यूज ऑफ टर्शियरी, इस तरह से आपने देखा होगा। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर कुछ अलग तरीके से होगा, उसके डेरिवेटिव का अलग तरीके से होगा, वो मैं इनके बाद में डिस्कस करूंगा, जो कि मैं छठे पॉइंट में ले लेता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। शानदार कंसेप्ट बताऊंगा आपको, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन कॉमन नेम्स को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे आपको। आप देखिए, इसके डेरिवेटिव के अलावा कार्बोनिल कंपाउंड्स, कौन से? कार्बन कंपाउंड। और कार्बन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एक तो एल्डिहाइड होता है और दूसरा कीटोन होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईथर की, तो ये कुछ कंपाउंड्स होंगे जिनके अलग से अपन अलग तरीके से नेम्स, कॉमन नेम्स देखेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले यूज ऑफ एन की, तो आपने देखा होगा कि जो यूज एन का यूज है, यूज ऑफ एन, वो अनब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए होता है। अब ब्रांचिंग आप जानते हैं, अनब्रांचिंग जानते हैं, क्योंकि आपने नेचर ऑफ कार्बन के बारे में देखा होगा कि अगर मैं नेचर ऑफ कार्बन की बात करूं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और एक क्वार्टनरी। अगर प्राइमरी कार्बन की बात करें जिसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, और सेकेंडरी कार्बन की, प्राइमरी कार्बन में क्या होगा, एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है वो देखा जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने ये कंपाउंड ले लिया और इस कार्बन से ये एक कार्बन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये 1 डिग्री, और इससे ये एक 1 डिग्री जुड़ा हुआ, इसलिए 1 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन से डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ तो ये 1 डिग्री, इस कार्बन से इधर इधर दोनों तरफ जुड़े हुए इससे 2 डिग्री, और ये कार्बन केवल एक से जुड़ा हुआ है इसलिए ये भी 1 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं 3 डिग्री की बात करूँ तो कुछ एक कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच होगा, ये वाला, अदरवाइज जो सराउंडिंग है टर्मिनल वो सारी सारी 1 डिग्री है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें क्वार्टनरी कार्बन भी प्रेजेंट होता है, जिसको आप 4 डिग्री कार्बन कहते हैं, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैंने कहा कि अनब्रांच कार्बन चेन जो स्ट्रेट चेन हो, और स्ट्रेट चेन में कोई भी आगे जाकर के फंक्शनल ग्रुप लग सकते हैं, वो मैं आगे बताता चलूंगा आपको। तो जनरली कार्बन चेन क्या होनी चाहिए, एन के यूज के लिए अनब्रांच होनी चाहिए। भाई दूसरा, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन हो जहां से अपन एन का यूज करते हैं बच्चों। तो देखिए, अगर मैं एल्केन के लिए बात करूं बच्चों, सिंपल सा तरीका एल्केन के लिए, तो एल्केन के लिए कार्बन नंबर 4 से एन का यूज होगा, और एल्काइल के लिए कार्बन नंबर 3 से एन का यूज होगा। अगर मैं कार्बन नंबर 4 की बात करूं, तो क्यों कार्बन नंबर 4 से एन का यूज हो रहा है, तो उसका रीजन है कि जो CH4 है, ईथेन है, प्रोपेन है, इनके कोई भी आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं बनते, इसीलिए इनके आगे कभी भी एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी का यूज नहीं होता। तो इस केस में जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, क्योंकि 4 कार्बन वाले एल्केन की 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनती है, C4H10 की 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनती है, एक तो ये वाली जो कि स्ट्रेट चेन वाली है, और एक ये वाली जो कि ब्रांच कार्बन चेन है। क्या है?
ब्रांच कार्बन चेन है। तो यहाँ इसके दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ इस ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने की वजह से यहाँ आइसो न्यू सेकेंडरी जो भी होगा अपन आइसो एन का यूज कर सकते हैं। अब अनब्रांच कार्बन चेन के लिए चार कार्बन अनब्रांच होगा तो मैं इस ब्यूटेन के आगे क्या लगा सकता हूँ, कॉमनली एन का यूज कर सकता हूँ। बात समझ में आई? अगर मैं पेंटेन बनाऊंगा तो पांच कार्बन ले लूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एन पेंटेन। अगर छह कार्बन लेंगे अपन तो छह कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन एन का यूज एल्केन सीरीज के लिए कॉमन नेम में यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नोट कीजिए। अब देखिए किस तरह से मैं एल्काइल के लिए तीन कार्बन के लिए एन का यूज करता हूं। कार्बन चेन अनब्रांच होनी चाहिए, ये इसके लिए प्राइमरी कंडीशंस होंगी, ध्यान रखना बच्चों। तो देखो सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं प्रोपेन की बात करता हूँ, और प्रोपेन में जो कि स्ट्रेट चेन है अनब्रांच है, और लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ इन कार्बन की नेचर की, तो इस कार्बन से ये डायरेक्ट अटैच, अकेला एक कार्बन है इसलिए 1 डिग्री, इस कार्बन से दोनों तरफ कार्बन अटैच है इसलिए 2 डिग्री, और इस कार्बन से केवल ये कार्बन अटैच है इसलिए 1 डिग्री। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ इन कार्बन नेचर में से एक एक हाइड्रोजन हटाता हूँ, अब एल्काइल कैसे बना ये भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए बच्चों किसी भी कार्बन चेन की बात करें तो 1, 2, 3, 4 एथ मैथ वो सॉरी मैथ एथ प्रोब्यूट ये सारे सारे किसको इंडिकेट करते हैं, एल्क को इंडिकेट करते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं इसलिए एन लगा हुआ होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दी जाए, क्या कह रहा हूँ, अगर एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए तो जो वाई एल है वो क्या करेगा, इस एन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और कार्बन चेन में चेंज होगा नहीं, एक हाइड्रोजन हटी है तो एन की जगह क्या लग जाएगा, वाई एल लग जाएगा। जैसे मैंने ले लिया मीथ एन, क्या ले लिया बच्चों, मीथ एन, इस मीथ एन में से एक हाइड्रोजन मैंने हटा दी तो ये सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, मीथ तो ऐसे कैसे रह जाएगा और वाई एल अटैच जाएगा, ये क्या बन गया, मिथाइल। ऐसे अगर मैं ईथेन की बात करता बच्चों तो यहां से इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए, ये ईथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल। क्या बन जाएगा बच्चों, इथाइल। आप चाहे तो इसको C2H5 सिंगल बॉन्ड भी लिख सकते हैं। अगर मैं यही कंडीशंस यहां लगाता हूं तो 1 डिग्री कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन हटाता हूं बच्चों तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, और 2 डिग्री से अगर मैं हाइड्रोजन हटाता हूं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। ये लीजिए, अब ये भी प्रोपाइल है क्योंकि प्रोपेन से बना तो प्रोपाइल होगा, और ये भी प्रोपाइल है, लेकिन देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रुप लगेगा, तो ये जो 2 डिग्री वाला कार्बन है जहां से हाइड्रोजन हटी है, जैसे यहाँ कोई अदर ग्रुप लगेगा तो ये कार्बन चेन क्या हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी, और ब्रांच के लिए कभी भी अपन एन का यूज नहीं करते। लेकिन यहां देखें तो तीन कार्बन और अनब्रांच है, और दोनों के पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, कौन से स्ट्रक्चरल में कौन से पोजिशनल, इसीलिए ये कार्बन चेन इस तीन के लिए, इस तीन कार्बन के एल्काइल के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, एन का यूज कर सकते हैं। अब देखो बच्चों यहां आपने देखी होगी फ्री वैलेंसी, यहां देखी होगी फ्री वैलेंसी, यहां देखी होगी फ्री वैलेंसी। अब आप क्या करें, इन फ्री वैलेंसी से क्या जोड़ सकते हैं, OH जोड़ सकते हैं, हैलोजन जोड़ सकते हैं, यानी फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, अमाइन जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, साइनाइड जोड़ सकते हैं। अब देखिए हेलो एल्केन वाले चैप्टर में अपने पास एन आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी का यूज हो जाएगा, ऐसे ही एल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर भी अपने पास एन आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी का यूज हो जाएगा, ऐसे ही अमीन के अंदर भी यूज होगा, और साइनाइड में खैर साइनाइड कम है लेकिन जहां भी है वहां पर अपन कॉमन नेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा मैटर आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा, यानी कॉमन नेम सारे चैप्टर के एक ही साथ एक ही वीडियो लेक्चर्स के अंदर, एक से नहीं होंगे, एक से ज्यादा रखेंगे वीडियोस, ठीक है, लेकिन आपको सारे के सारे एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब मैं यहाँ पर इन फ्री वैलेंसी से ये ग्रुप अटैच करके इनके नाम बताता हूँ, एक बार इसको नोट कीजिए बच्चों। देखिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सबसे पहले मैंने लिया CH3OH, CH3Cl, CH3F,
CH3 है, कैसे भी ले सकते हैं, ये दिक्कत नहीं है क्योंकि अपन नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं CH3NH2 CH3Cl। अगर मैं बात करूं इस ग्रुप की तो ये मिथाइल था और ये था एल्कोहल। क्या हो गया बच्चों इसका नाम? मिथाइल एल्कोहल। ये हो गया मिथाइल और ये हो गया क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका? मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल, ये फ्लोराइड। सिंपल सा नाम चलता जाएगा, फ्लोराइड। ये मिथाइल, ये ब्रोमाइड। ये मिथाइल, ये आयोडाइड। ये मिथाइल, ये अमीन। ये मिथाइल, ये साइनाइड। अगर मैं इथाइल से जोड़ दूं, अगर यही ग्रुप इथाइल से जोड़ता तो इथाइल एल्कोहल, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल साइनाइड, इथाइल आयोडाइड और इथाइल अमाइन। ऐसे अगर मैं एन प्रोपाइल से जोड़ दूं बच्चों, तो ये तो एन प्रोपाइल था ही अपने पास, और ये क्या जोड़ दिया मैंने? OH। एन प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, एन प्रोपाइल फ्लोराइड हो जाएगा, एन प्रोपाइल साइनाइड हो जाएगा, एन प्रोपाइल आयोडाइड हो जाएगा और एन प्रोपाइल अमाइन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन तीन कार्बन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मिनिमम अनब्रांच कार्बन चेन के तीन कार्बन के लिए एन का यूज कर सकते हैं। अब चौथे कार्बन की बात करते हैं। देखिए चौथे कार्बन की बात करें, एक बार इसको नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए चौथे कार्बन की बात करें तो सबसे पहले एल्केन की बात करें बच्चों, तो मैंने बता दिया था ये जो कंपाउंड है वो अपने पास क्या है, अनब्रांच है, चार कार्बन, इसलिए एन ब्यूटेन। अगर मैं इस 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो अपन जानते हैं ये कार्बन चेन अभी भी क्या रहेगी, अनब्रांच। तो ये कहलाएगा अपने पास एन ब्यूटाइल। अब इस ब्यूटाइल में यहां पर अगर मैं OH जोड़ता हूं बच्चों तो एन ब्यूटाइल एल्कोहल, अगर Cl जोड़ता हूं तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, अगर Br जोड़ता हूं तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल फ्लोराइड, एन ब्यूटाइल साइनाइड, एन ब्यूटाइल अमाइन और एन ब्यूटाइल आयोडाइड। आराम से नाम दे सकते हैं। अगर मैं 5 कार्बन की बात करूं बच्चों तो 5 कार्बन का अपने पास क्या था, ये एन पेंटेन। क्या था ये? एन पेंटेन। और अगर मैं इस एन पेंटेन में से इस जगह 1 डिग्री से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, क्योंकि अभी मैं 1 डिग्री से इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि अपन ने वो अनब्रांच कार्बन चेन की बात करनी है, न कि ब्रांचिंग की, क्योंकि एन का यूज तो क्या होता है, अनब्रांच कार्बन चेन के लिए होता है। तो अब देखो यहां पर OH लगा सकते हो तो ये हो जाएगा एन पेंटाइल, और सबसे इंपॉर्टेंट इसी एन पेंटाइल को आप एन अमाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एन अमाइल भी कहते हैं। तो अगर यहां OH जुड़ा हुआ है तो एन पेंटाइल एल्कोहल, एन अमाइल एल्कोहल, एन पेंटाइल कह दो या एन अमाइल कह दो, ऐसे ही एन पेंटाइल क्लोराइड, एन पेंटाइल ब्रोमाइड, एन पेंटाइल आयोडाइड, एन पेंटाइल अमाइन, एन पेंटाइल साइनाइड, इस तरह से सारे सारे ग्रुप यहां अटैच करके इनके कॉमन नेम दे सकते हो। अगर एन हेक्सेन है तो एन हेक्साइल बन जाएगा अनब्रांच के लिए। क्लियर है? तो आज मैंने एन का यूज कैसे किया जाता ये मैंने समझा दिया बच्चों। कल मैं इसके डिस्कस करूंगा आइसो का यूज किस तरह से किया जाता है, ये मैं जरूर बताऊंगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन, आपको यानी जो मेरा वीडियो लेक्चर का अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए बस आपको बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है बच्चों, आपको सारे सारे नोमेनक्लेचर के बारे में मैं पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा, NCERT हो या नीट एग्जाम में आए, ये सारे सारे आपके लिए कॉमन होंगे। ऑर्गेनिक का बेस है, इसके बिना आप ऑर्गेनिक याद नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनिक को समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कल मिलते हैं आइसो के साथ, तब तक के लिए।